अस्सलाम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? ठीक हो? सब ऐसे ठीक है? मामा भी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक अरबी ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर, मैंने ना यहाँ ज़मीन पे पानी लगाया हुआ है, तो अभी बोरंग भी चलाया है। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ज़मीन में पानी कैसे लगाते हैं और यहाँ पर कैसी कैसी ज़मीन होती है देहात में। तो आइए चलिए आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जंतर उगाया हुआ है ये बकरों के लिए। ये आप देख सकते हैं वहाँ पर घास उगाया हुआ है भैंसों के लिए। ये आप देख सकते हैं, तो अभी ये सूख गया है इसकी ज़मीन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं ये मेरी वो ये नाली बनाने वाली का ही है। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखो पानी आना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं, मैं पानी लगाने यहाँ पर ज़मीन को पानी लगाने के लिए आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक बांध लगाई है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ज़मीन को पानी लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं पानी कैसे तेज़ी से यहाँ पर दौड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अभी ज़मीन में दाखिल हो रहा है पानी। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ये नाली में पानी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से नाली में पानी जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, तो मैं अभी बोरंग के पास जा रहा हूँ, आपको बोरंग भी दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी देखने आया हूँ यहाँ पर, यहाँ से नाली कहीं से टूटी हुई तो नहीं है या नाली को कहीं से छेद तो नहीं है। ये अभी देखने आया हूँ, अगर छेद हुआ ना तो यहाँ पर सारा पानी नाली का ज़ाया हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ। डियर व्यूअर्स, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मलिक अरबी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये भी है, जिसके साथ मैं इस नाली को बनाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर नई नाली बनाई है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं पानी थोड़ा सा ही नीचे रह गया है। ये आप देख सकते हैं बह रहा है थोड़ा सा नीचे, तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर मिट्टी रखूँगा इसके ऊपर, नाली को कुछ ऊँचा करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर पानी का बहराव बहुत ही तेज़ है। या आप देख सकते हैं, अगर मैंने अभी इसके ऊपर मिट्टी नहीं रखी तो ये टूट जाएगी पानी। ये आप देख सकते हैं, आप अभी ये देख रहे हैं कि मैं पानी के साथ इसको नहला रहा हूँ पहले इस मिट्टी को, तो इसके साथ फिर लेप दूंगा। ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे करो लेप मिल जाता है, फिर ये नहीं झड़ता, यहाँ से नहीं होता खड्डा नहीं बढ़ता। ये आप देख सकते हैं कैसे बन गई है, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मैंने ये दे दी है। ये आप देख सकते हैं, अभी मुझको ये भी बनानी है, इसको वैसे बनानी है जैसे ये बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको भी ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको भी ऐसे करके बना देना है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे बन गया, ये भी ये आप देख सकते हैं। अब ये कहीं से भी लीक नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से दूसरी जानब भी मैंने ऐसे ही बना दिया। ये आप देख सकते हैं, अब यहाँ से लीकिंग वीकिंग सब ख़त्म हो गई है। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो बोर चल रहा है, वहाँ पर वो बोर चल रहा है, वो भी चल गया पूरी। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लीकिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से नीचे से ओके, यहाँ पर छेद हुआ हुआ है, तो ये मैं अभी बंद करूँगा। तो इसको कैसे बंद करता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं पानी में पहुँच गया, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से अपने पाँव से इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है, ऐसे ऐसे करना है पाँव को, पाँव के साथ ये बनानी है। ये आप देख सकते हैं ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं,
ये आप देख सकते हैं अभी वहाँ से पानी निकलना बंद हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ये मेरी काई है, ये आप देख सकते हैं ये ज़मीन को खोदने के लिए काम आती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी लीक हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से पानी जा रहा है नीचे से। ये नई यहाँ पर बनी हुई है, ये नई बनाई हुई है हमने, तो अभी मैं इसको भी बनाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसको भी वैसे ही करना है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं हमें ऐसे ऐसे करना है। ये आप देख सकते हैं वहाँ से बंद हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वहाँ से पानी निकलना अभी बंद हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो छेद हुआ हुआ था ये अभी ख़त्म हो गया। ये आप देख सकते हैं मट्टी मट्टी दिखाई दे रही है, मट्टी मट्टी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ से पीछे से बंद हो जाता है ना पानी, तो यहाँ से आगे से फिर मट्टी निकलना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये पीटर लगा हुआ है और उसके साथ ये पीटर लगा हुआ है, ये तेल की गर्मी है धूल भी। अच्छा उसके साथ ही ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये ट्यूबवेल पानी दे रहा है, ये आप देख सकते हैं ट्यूबवेल पानी दे रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ कैसा साफ पानी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे ट्यूबवेल पानी दे रहा है। ये आप देख सकते हैं इस ट्यूबवेल का पानी बहुत ही मीठा और लजीज होता है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी दे रहा है और साथ में फिल्टर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ज़मीन के पास पहुँचा हूँ, ज़मीन पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ तक पानी पहुँचा है। ये आप देख सकते हैं ये शीशम का दरख्त है, ये आप देख सकते हैं शीशम का दरख्त है ये। अच्छा तो इसके नीचे मैं आया हूँ, ये आप देख सकते हैं ये घास के पास पहुँचाया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ तेल लेने, तो वहाँ पीटर में ना वो डीजल ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं वही लेने जा रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।